अभी हम लोग गुप्त गोदावरी के दर्शन करने के लिए अंदर जाने वाले हैं और सुना है कि इसी गुफा के अंदर में, ये जो गुप्त गुफा है, इसी के अंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी और लक्ष्मण जी ने अपने 11 वर्ष वनवास के बिताए थे। गुफा के अंदर जाने का मार्ग दो पहाड़ी चट्टानों के बीच से है। ये द्वार गुफा में प्रवेश करने और बाहर निकलने का एकमात्र मार्ग है, जो बहुत ही संकरा है। गुफा में प्रवेश करते ही हम एक अनोखी दुनिया में आ जाते हैं, जो हमारी सोच से परे है। अंदर से ये गुफा इतनी बड़ी और इतनी सुंदर है कि आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इस गुफा का निर्माण राम जी के वनवास के पूर्व ही देवताओं ने किया था। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। के दो भाग हैं, एक छोटी गुफा जहाँ से गुप्त गोदावरी बहती है। जब राम जी वनवास की खबर सभी देवी देवताओं को लगी तब उनसे मिलने के लिए चित्रकूट पधारने लगे। यही खबर काशी में बहती गोदावरी माता को लगी और वो राम जी से मिलने के लिए पाताल मार्ग होते हुए यहाँ पहुँचे। चित्रकूट में राम तरस को गुप्त रूप आई माँ, जय हो गोदावरी माँ, जय हो गुप्त गोदावरी माँ। क्यों ना हो वो भूमि पावन बहती तुम हो जहाँ, चित्रकूट में राम दरस को गुप्त रूप आई।